अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मानुसलम। तो आज हम बात करेंगे कि FMDC की किस तरह टेस्ट होगा, इस्लामाबाद के जिन्होंने स्टूडेंट ने सेलेक्ट किया था सेंटर, उनका टेस्ट किस तरह होगा और उनका सेंटर और कौन सी यूनिवर्सिटी उनका टेस्ट लेगी। तो अभी लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है 26 अक्टूबर को PMC ने अनाउंस किया था कि उसके मुताबिक था कि हर प्रोविंस अपना टेस्ट लेगी और इसके अलावा उसके बाद जो रिज़ल्ट होगा वो PMC खुद अनाउंस करेगी और उसके साथ जो वो टेस्ट होगा तो वो सेंट्राइज सेंटर के बेसिस पर होगा जो उन्होंने लेटेस्ट सेंटर सेलेक्ट किए थे बच्चों ने। तो और इसके अलावा वो टेस्ट जो होगा वो पूरे पाकिस्तान में अप्लाइड होगा, वो कहाँ पे मर्जी अप्लाई करेंगे लेकिन वो टेस्ट आपका माना जाएगा वो हर जगह पर। तो अब हम बात करेंगे कि वो PM जो इस्लामाबाद के जो पंजाब के स्टूडेंट थे उन्होंने सेलेक्ट किया है, इस्लामाबाद सेलेक्ट किया था, या KPK के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस्लामाबाद सेलेक्ट किया, या कहीं के रीजन के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस्लामाबाद सेलेक्ट किया था, कि वो अब क्या करें। तो उनका टेस्ट उसी डेट को होगा, 13 नवंबर को ही होगा टेस्ट होगा। और उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस तो आपका सेम है, सिलेबस आपने वही फॉलो करना है जो आप PMC की वेबसाइट पर है, सिलेबस वही सिलेबस फॉलो करना है। और आपने अब बुक्स चेंज होंगी, आपकी बुक्स कहाँ से फॉलो करनी है, आपने जो कि आपने नेशनल MTKT की तैयारी की थी उस वक्त भी आपने फेडरल की बुक्स पढ़ी होंगी ऑफकोर्स, तो वो आपने बुक्स जो फॉलो करनी है वो फेडरल की बुक्स करनी है बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए, क्योंकि और इंग्लिश के लिए तो कॉमन रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपने याद करने होते हैं, वोकैबुलरी कॉमन होते हैं, लॉजिकल के लिए भी आपका वो तो आपका कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं, तो ये है। और इंग्लिश तो सेम है, और इसके अलावा आपने ये तीनों बुक्स के लिए आपने फेडरल पे फोकस करना है, फेडरल की बुक्स को ही फॉलो करना है, या फेडरल की बुक्स को फॉलो करना है। और अगर आपने अपने रीजन से आपने अपने कोई शॉर्ट लिस्ट नोट्स बनाए हुए हैं तो उसको साथ साथ देखते जाओ, अपने प्रोविंस की बुक्स को भी यानी कि जो उसके शॉर्ट लिस्ट नोट्स बनाए होंगे वो चीज़ें साथ देखो, और मेन आपका फोकस मेनली जो फोकस हो वो आप फेडरल की बुक्स पर हो, क्योंकि आपका टेस्ट एक फेडरल की यूनिवर्सिटी ले रही है तो आपका पेपर वहाँ से ही आएगा। तो आपने अब तैयारी किस चीज़ों से करनी है, किन कौन से सोर्सेज से आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो किन बच्चों का टेस्ट लेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पर बात करते हैं किन बच्चों का टेस्ट लेगी। ये तीन रीजन में सेंटर बनाएगी, एक इस्लामाबाद में सेंटर होगा, इसकी टेरिटोरी में सेंटर होगा, और एक JB में सेंटर होगा यानी कि गिलगत बल्तिस्तान में टेस्ट होगा, और दूसरा इसके बाद आ जाता है कि कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में टेस्ट होगा। ये तीन रीजन में वो अपना टेस्ट कंडक्ट करेगी, ठीक है। जो ये इन रीजन के बच्चे हैं उन्होंने फेडरल की बुक्स पढ़नी है, तो ये तीन रीजन्स हैं, इन रीजन के बच्चों ने फेडरल बुक्स पढ़नी है, और इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्योंकि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो फर्स्ट टाइम टेस्ट MBBS के लिए कंडक्ट कर रही है, तो उसके लिए आपने आपको पास पेपर वो मोस्टली पहले करती थी कि DBT अलाइड साइंसेज और इस तरह के जो सब्जेक्ट थे फील्ड थे उनके लिए अपना टेस्ट लेती थी, लेकिन इस पर फर्स्ट टाइम ले रही है। पहले 2018 में वो FMDC लेता था टेस्ट, FMDC कंडक्ट करवाता था टेस्ट, तो इस बार आपने जो फोकस करना है वो आपने PMC के जो नेशनल MTKT की बुक्स होंगी, क्योंकि वहाँ PMC भी मोस्टली फेडरल से बना रहा होता था ज़्यादा, तो आपने इस तरह करना है PMC के नेशनल MTKT की बुक्स होंगे उस पर MCQs की प्रैक्टिस करो, किप्स और स्टेप के जो लेटेस्ट होंगे वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपने पास पेपर जो देखने हैं वो आपने तीन पास पेपर देखने हैं, एक आपने नम्स का देखना है, नम्स के, क्योंकि नम्स भी फेडरल से मोस्टली बनाता होता है, तो नम्स के पास पेपर देखो नम्स के, क्योंकि आपकी ये चीज़ें होती हैं आपकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए होती हैं, कि आपने अपने आप को जज करना होता है कि मेरी कितनी तैयारी है, तो ये चीज़ें आपने नम्स के देखने हैं। FMDC के पास पेपर देखो, और जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के आपको अगर तो अलाइड साइंसिस के मिल रही हैं तो या DBT वगैरह के जो टेस्ट होता था उनके पास पेपर में से जो आपके सिलेबस के अंदर है, सिलेबस के अंदर पास पेपर वो देखने हैं आपने, आपने अपने सिलेबस के ही पास पेपर देखने हैं कि सिलेबस के अंदर जो MCQs आएंगे वो चीज़ें देखनी है, ठीक है। ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है, इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड लक फॉर योर MTKT।